अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो कोर्स चल रहा है उसकी क्लास नंबर 2 लेकर आ गया हूं। और आज का जो टॉपिक है, ब्रांड क्या है, ब्रांडिंग क्या है एंड ब्रांड आइडेंटिटी क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back। So, first of all, मुझे ये आप लोगों को समझाना है कि ब्रांड एग्जैक्टली क्या है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि लोगो इज ब्रांड। नहीं, लोगो के अलावा लोग कहते हैं कि जी कलर्स जो है वो ब्रांड है। नहीं, टाइपोग्राफी ब्रांड है। नहीं, सो बेसिकली ब्रांड जो है वो विजुअल है ही नहीं, मतलब ऐसी चीज नहीं जिसको आप देख सकते हैं। ब्रांड एक ऐसी चीज है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बड़े ब्रांड्स के अगर मैं नाम लूँ तो आप खुद उसको समझ जाएंगे। जैसे सर्फ एक्सेल है, आप सबको पता है कि वो एक जो लाइन बड़ी मशहूर है, दाग तो अच्छे होते हैं। उन्होंने हमेशा से पोर्ट्रे ये किया कि अच्छाई करो एंड सो ऑन, सो दे शो के हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इंसानियत की एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आप एक्स डिओड्रेंट्स के एड्स देखें, वो बड़े अजीब से हैं कि लाइक लड़कियां पीछे भाग रही हैं एंड सो ऑन। सो बेसिकली देखें, आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज़ ब्रांड। बहुत अच्छी एग्जांपल में अगर मैं आपको कहूँ तो रेमंड क्लोदिंग, रेमंड का एक बड़ी आला किस्म की पंच लाइन है, द कंप्लीट मैन या कंप्लीट मैन। सो कहने का मकसद ये है कि वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि एक कंप्लीट मैन होगा तो वो रेमंड की क्लोदिंग या सूटिंग पहनेगा। तो दूसरी एग्जांपल हार्ली डेविडसन, आप सबको बताओ को बहुत बेहतरीन किस्म की हैवी बाइक्स होती है उनकी, एंड उन्होंने कभी अपने एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं कहा कि परफेक्ट स्मूथ राइड है या ये कह लो कि बहुत ही एक्सलेंट माइलेज है या बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। वो हमेशा एक ही चीज़ को प्रमोट करते हैं एंड दैट इज़ फ्रीडम। यानी अगर आपके पास हार्ली डेविडसन है तो आप फ्री हो, ठीक है। सिमिलरली एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ब्रांड जो है वो आप ये समझ लें कि आपको किस तरह से वो कंपनी ट्रीट करती है, आपका एक्सपीरियंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी शॉपिंग करने जाता हूं तो एक ब्रांड है कैम्ब्रिज एंड मुझे उसकी शर्ट्स बहुत अच्छे से फिटिंग आती है बिकॉज उनके साइजेस डिफरेंट हैं, राइट। ये आप लोगों ने भी बहुत सारे फील किया होगा कि कुछ पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से फिट आती हैं। एंड कैम्ब्रिज की ख़ास बात ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और बहुत, यानी कि कई मरतबा धुलने के बाद भी वो शर्टें मेरी एज इट इज़ नई के नई रहती हैं। सो मुझे उन पर ट्रस्ट है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रांड इज़ बेसिकली अ ट्रस्ट बिटवीन जो कंपनी है, जो ब्रांड है उसमें, और जो कंज्यूमर है यानी हम जो आम आवाम जो यूज़ करती है उस प्रोडक्ट को, उसका और जो बनाने वाले हैं उनका एक ट्रस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड। सो दूसरी चीज़ आती है, व्हाट इज़ ब्रांडिंग। ऑलराइट, ब्रांडिंग बड़ी फनी सी चीज़ है। सो ब्रांडिंग को यूँ कह लें कि एक कपड़े पहनाना, सही है, या यूं कह लें मैच मेकिंग। जैसे होता है ना, वो आंटियां होती हैं जो रिश्ता कराती हैं। अब ऑब्वियसली सामने से जो लड़का देखने आने वाला है वो उसको तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन लड़की को कहा जाता है कि भाई तुम तमीज़ से आना सामने और सर पे दुपट्टा ओढ़ लेना या ये कर लो, वॉट एवर। सो बेसिकली हम उस लड़की को, बेचारी को ढाल रहे होते हैं ऐसे कह लें कि पैकेज में कि जो आ रहा है देखने उसको पसंद आए, सही है। मेकअप इज़ ऑल्सो ब्रांडिंग, राइट। हर बंदे का अपनी एक ब्रांडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा शोक कलर की शर्ट्स नहीं पहनता। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ही शॉकिंग किस्म के कलर्स पहन रहे होते हैं एंड वो उनकी ब्रांडिंग है। मेरे ख़ास कलोन्स हैं, परफ्यूम्स हैं, जो कि मैं सिर्फ वही उसी टाइप के यूज़ करता हूँ, कुछ स्मोकी से या वुडी से परफ्यूम्स मैं यूज़, मैं स्वीट स्मेल्स मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। दैट्स माई ब्रांड, ये मेरी ब्रांडिंग है, राइट। एंड हम पूरे दिन में बहुत कुछ अपने ऊपर कर रहे होते हैं, बेसिकली हम अपने आप की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। सो सिमिलरली अगर किसी कंपनी के ब्रांडिंग की बात की जाए तो हम उसको एक तरीक़ेकार सिखा रहे होते हैं कि जी आप जो है आज से अपने कस्टमर्स को इस तरह से ट्रीट कीजिएगा। एंड हम बाकायदा सिखा रहे होते हैं कि जी आप ये समझ लें कि कोई रेस्टोरेंट है तो उसमें अगर टाइमिंग लिखी हुई है कि जी समझ लो शाम 5 से रात 12 बजे तक, अब ओपन
फ्रॉम 5 to 12 या 5 to midnight लिखना बड़ा कॉमन सा है. अगर मैं ये कर दूं कि सर्विंग यू फ्रॉम 5 to midnight, सो दैट इज डिफरेंट. लाइक सो अल्फाज का इस्तेमाल भी, कि किस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करना है, या आपके इवन रेस्टोरेंट में अगर वेटर्स हैं वो किस तरह से आकर के जो गेस्ट्स आ रहे होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से उनको सर्व करेंगे, किस अंदाज से वो हर चीज़ चला रहे होंगे, ये एक चीज़ होती है ब्रांडिंग. नाउ थर्ड चीज़, ब्रांड आइडेंटिटी. ब्रांड आइडेंटिटी शनाख्त है. ब्रांड आइडेंटिटी का पार्ट है लोगो. सबसे पहला पार्ट होता है लोगो. लोगो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ क्या चीज़ है. एक एक सिंबल या एक मार्क या एक वर्ड, एक नाम, कोई ऐसी चीज़ जो कि जिस तरह से आपका सिग्नेचर होता है, दैट इज लोगो, राइट. नाउ ब्रांड आइडेंटिटी इसके अलावा और बहुत कुछ है. सो ब्रांड आइडेंटिटी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं लोगो के अलावा, एंड दैट इज नंबर 1 लोगो. नंबर 2 कलर्स, कि आपके कलर्स क्या होंगे, या कोई खास पैटर्न है, कोई डिज़ाइन एलिमेंट है, वो आज आपका आ जाएगा कि ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी का हिस्सा है. प्लस टाइपोग्राफी, मतलब फॉन्ट्स, कुछ फिक्स फॉन्ट्स होते हैं, वो उस फॉन्ट से हटेंगे नहीं, एंड अगर कभी हम उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हुए तो वो ब्रांड अपनी शनाख्त खो देगा, अपनी आइडेंटिटी खो देगा. सो ये बहुत ज़्यादा मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा समझाता हूँ कि जब कर कभी आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन कर रहे हो तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि राइट इट डाउन, लिख लें कि जी ये फॉन्ट्स यूज़ करना है या ये कलर्स यूज़ करने हैं, कलर्स की वैल्यूज़ नोट करके रख लें, उसके अलावा नहीं करना. क्यों? क्योंकि फिर आप बिल्कुल ही डाइवर्ट हो जाते हो दूसरी तरफ. सो आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा. मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ. लोगो डिज़ाइन कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सब कुछ आएगा, बहुत डिटेल में आएगा. मैं छोटे छोटे से डोज आपको दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठती जाएँ. एंड आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. एंड मैं एक और चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ आप मेरी यहाँ क्लासेज में देख रहे होते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा जाएँ उसको गूगल करें, अपने नोट्स बनाएं, और जहां जहां से जितनी जितनी तालीम मिलती है, जितना एजुकेशन आप ले सकते हैं लें. एक बंदा आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता. मैं यही बोल के अपनी जान नहीं छुड़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको अपने पैरों पे खड़ा करना चाह रहा हूं, और आप अपने आप पर भी बहुत भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं. बस एक चीज दिमाग में रखिएगा, शॉर्टकट्स मत ढूंढिएगा. मतलब शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूं. शॉर्टकट से मुराद, देखो सक्सेस में शॉर्टकट नहीं होता. अगर कोई ये कह ले कि जी मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसे 20 साल गुजारे होंगे, राइट. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कह लें कि यार मैंने पिछले 2 महीने में 20 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लिया. ऐसा पॉसिबल नहीं है, बड़े फनी सी बात लगती है. सो कोई शॉर्टकट नहीं है. स्लो डोज मैं आपको देना चाह रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि आप समझें इसको, अच्छी तरह से समझें, अपने अंदर उतारें इसको. सो आई होप आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लगा होगा. अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो. थैंक यू.